इधर हैं और आपने रंगोली बनाई है, तिरंगा बनाया है, उसके बारे में हमें कुछ बताओ। तिरंगा तो हमारी इंडिया की हर कंट्री का एक अपना फ्लैग होता है, तो तिरंगा तो हमारा मतलब सालों से है, मतलब 1945 से ये तिरंगा है और इसके बगैर तो कुछ जो विकसित जो भी हो रहा है विकास, तो इससे ये मुझे लगता है ये सीढ़ी है और इस सीढ़ी चढ़ते हुए ये विकास हो रहा है हर तरह से, डिजिटल हो कुछ भी हो, तो ये हमारी पहचान है, सबसे पहले ये पहचान है, तो इसी में ही जो होते हैं ना बेस बोलते हैं, तो इंडिया बोलते ही ये सामने आता है, तो मुझे लगता है कि ये इसलिए मैंने ये सब मतलब जो भी सब हम लोग मिलके बना रहे हैं इसको एक कनेक्ट करने के लिए मैंने ये पूरा फ्लैग का वो लिया हुआ है। अच्छा, तो आप किस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं? आपने यहाँ पे फ्लैग बनाया, ये जैसे 1 करोड़ के ज्यादा युवा नारायण, आप मेरा युवा, वही है कि जो धीरे धीरे विकास हो रहा है, लेकिन मेरा युवा भारत, हर चीज में भारत, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करती हूँ, मेरे पेंटिंग्स भी स्पिरिचुअल होते हैं और मुझे लगता है कि हर चीज का एक बेस जो होता है ना, इवन हम बिल्डिंग बनाते हैं तो जो नमो ऐप के माध्यम से जितना नीचे जाएंगे उतनी वो बिल्डिंग पक्की हो जाती है, तो बेस जो है वो मेन होता है, तो मुझे लगता है कि फ्लैग मुझे मेरे हिसाब से हमारा बेस है और इसके बेस के ऊपर सब कुछ है, हर चीज तो है ही, लेकिन फ्लैग अगर नहीं है तो किसी भी कंट्री को आप पहचान नहीं, क्योंकि एक होता है सिंबल होता है हर चीज का, खास करके युवाओं के लिए उसका सिंबल होता है। थैंक यू मैम, थैंक यू।